afternoon, friends. I, K. Jitara Dushyana, welcome you all to this seminar or rather panel discussion on EVP. We have organized this program and we have divided this into three parts. First, there will be a presentation from department side. Rajesh Suresh will give that. Then there will be presentation on practical aspects, how to actually register on website and how to do it. We would have in live presentation by Chief Vipin sir, and then we would open the floor for panel discussion. First, I would like to ask Kamalia sir to give his opening remarks. Good evening, friends. On behalf of VIA, I welcome you all in today's meeting on EVP. This is going to be relative from day after tomorrow, February, so far as interstate is concerned. And from within the state, it is coming from the 1st May. So we have to prepare for this EVP transaction so that whatever documentation we made, those are absolutely correct and without any hassle-free that movement of goods take place. So I welcome you. I welcome Mr. T.K. Agrawal, the Joint Commissioner of State GST, who has accepted our invitation to be the Chief Guest today to guide us on the EVP bill. I also welcome Mr. Rajesh Suresh, Deputy Commissioner of State GST, Nagpur, and the other dignitaries from the department. And I also welcome Mr. Mahendra Jain, Saket Bagadia, and Pritam Jain, who has accepted to be co-speaker on today's discussion of EVP bill. I welcome you all and hope that today's meeting will be fruitful to all of us. Thank you. Now I would request Bagadia sir to offer a solar welcome to the two Sri T.K. Agrawal sir, our chief guest for today. I would request Sailendra Munawar sir to give solar welcome to Rajesh Suresh. I would request Satish Kaja sir to give closer welcome to Chandrakant Kapoor. We would also like to welcome our speakers for the day. I would request Naresh Chapatiya sir to welcome Mahendra Jain sir. Now, I would request T.K. Agrawal sir to guide us on this occasion. उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, व्यापारी मित्र, सत्रुकदार मित्र, एक फेब्रुवारी पास ईवेबिल की अंमलबजावणी सुरू होता है. ही वेळ साधून व्यायने हा यावेळी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद देतो. एक जुलै 17 पासून वस्तू व सेवा कर कायदा अंमलात आलेला आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा अंमलात येण्याअगोदर बऱ्याचशा राज्यामध्ये विशेषतः महाराष्ट्राला भीती होती की आपला तमाम महसूल किंवा कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न कमी होते. त्यासाठी आपण केंद्र शासनामार्फत ॲश्युरन्स घेतलं होतं की 14% ग्रोथ आम्हाला ॲश्युअर करून देतील आणि यापेक्षा जर कमी महसूल जमा झाला तर त्याचे कॉम्पन्सेशन आपल्याला केंद्र सरकार देईल. आपण
त्यांच्याकडनं आश्वासित करून घेतलेले होते. त्यानंतरच जीएसटी अंमलबजावणीचे कार्य मोकळे झाले होते. परंतु अंमलबजावणीनंतर ही जी भीती होती ही संपूर्ण फोल ठरलेली आहे. महाराष्ट्रातील व्यापारी उद्योजकांनी एवढ्या मोठ्या मुबलक प्रमाणात कर भरलेला आहे की आतापर्यंत न दिसलेली करामधील ग्रोथ 31% ग्रोथ महाराष्ट्राने रजिस्टर केली आहे. सर्व श्रेय जरी व्यापारी आणि उद्योजकांना जात असले तरी चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट आणि टॅक्स कन्सल्टंट यांनाही खरोखर श्रेय आहे की त्यांनी वेळेवर जीएसटीचा भरणा महाराष्ट्रात केलेला आहे आणि महाराष्ट्राने जवळपास 31% रजिस्टर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर विभागही फार आघाडीवर आहे. नागपूर विभागाने जवळजवळ 25% ग्रोथ रजिस्टर केलेली आहे. जुलैपासून ते डिसेंबरपर्यंत 25% ग्रोथ नेट ग्रोथ आहे. या अगोदर आम्ही असा विचार करत होतो की जीएसटी कायदा अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर 5 वर्षापर्यंत केंद्र शासन आपल्याला मुंबई देणार असल्यामुळे आम्हा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही विशेष काम करण्याची गरज भासणार नाही. फक्त केंद्र शासनाकडनं किती प्रत्येक महिन्याला आपल्याला कॉम्पेन्सेशन घ्यायचं हेच आपण मोजत राहावं लागणार आहे. परंतु आता परिस्थिती उलट झालेली आहे. 24% ग्रोथ किंवा 31% ग्रोथ असल्यामुळे आता राज्य शासनाने उलटा आमच्या मागे तगादा सुरू केलेला आहे. यापेक्षाही जास्त आपल्याला रेव्हेन्यू मिळाला पाहिजे. यापेक्षा जर कमी ग्रोथ असती तर आपल्याला केंद्र शासन देणार होतं. त्यामुळे आपण जरी जास्त ग्रोथ वाढवण्याचा प्रयत्न केला असता तर कमी केंद्राची तूट भर निघाली असती. परंतु आता परिस्थिती उलटी आहे. 24% ग्रोथ असल्यामुळे आता 26% जर ग्रोथ झाली तर हा सर्व पैसा राज्यालाच राहणार आहे. त्यामुळे आता आमच्यावर सुद्धा दडपण आलेलं आहे की जे व्यापारी डिफॉल्टर असतील, ज्यांनी विवरणपत्रक भरलेली नसतील किंवा ज्यांनी कर भरणा केलेला नसेल त्यांच्याकडनं जास्तीत जास्त कर भरणा करून घेण्यात यावा. आणि याबाबत नागपूर विभागाला विशेष त्यांनी हे दिले आहे की नागपूर विभागाने या अगोदर 16 एप्रिल जवळपास 0 डिफॉल्ट करून दाखवलेलं होतं. नागपूर विभागाने राज्यामध्ये फक्त नागपूर विभाग असा आहे की मागील 5 वर्षात 0 डिफॉल्ट करून दाखवलेला होता. त्यामुळे विशेषतः त्यांनी नागपूरकडे जास्त लक्ष दिलं की तुम्ही ज्याप्रमाणे त्या व्हॅट पिरियडमध्ये काम करून दाखवलेलं आहे त्याचप्रमाणे जीएसटीमध्ये सुद्धा जवळपास 100% लोकांकडनं विवरणपत्र घेण्याचं भरणा करून घेण्याचं काम केलेलं पाहिजे. ते हे सर्व आपल्या आपल्या लोकांच्या प्रतिसादामुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आता आम्ही त्याप्रमाणे मार्चमध्ये मार्चपर्यंत 31 मार्चपर्यंत 0 डिफॉल्ट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. आणि आमचे अधिकारी वर्गही बहुतेक सर्वांनी सुरुवात कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि सहजपणे हे उद्दिष्ट गाठता येईल अशी त्यांची भावना आहे. आपण सर्वांना विनंती आहे की आपण अद्यापपर्यंत विवरणपत्र दाखल केले नसतील, फ्री दाखल केले नसतील, GST R1 दाखल ट्रान्सफॉर्म नसतील, विवरणपत्र दाखल करा. इव्हन व्हॅट मधीलही विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. व्हॅट मध्ये जर डिफॉल्टर असतील तर आपल्याला जीएसटी मध्ये ट्रान्झॅक्शन बेनिफिट जी आहे ती मिळणार नाही. त्यामुळे व्हॅटचे जे काही रिटर्न डिफॉल्ट असतील ते डिफॉल्ट पूर्ण करावे. आता सर्व पॅनल डिस्कशन एक्सपर्ट मार्फत होणारच आहे. परंतु मी हे सांगू इच्छितो की या ई वे बिल येण्या अगोदर सुद्धा काही राज्यामध्ये जवळपास 14 राज्यांमध्ये ई वे बिल अस्तित्वात होत. वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झिट पास होते. म्हणजे आता समजा इथून माल जर आपल्याला लुधियानाला पाठवायचा असतात तर आपल्याला 3 प्रकारचे ट्रान्झिट पास घ्यावं लागतो. आता ती घ्यायची गरज राहणार नाही. आता फक्त एकच बिल आहे की जे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत चालणार आहे आणि ते इलेक्ट्रॉनिकल राहणार आहे. ई वे बिल आणल्यावर व्यापाऱ्यांची नॅचरल प्रतिक्रिया होती किंवा झाले परत चेक पोस्ट आणि नाकेबंदी सुरू झाली. गाड्या अडवल्या जातील, गाड्या तपासल्या जातील, गाड्यां प्रवासाचा खोळंबा होणार,
वाहतुकीला वेळ लागणार, परंतु ह्या एक बिलाप्रमाणे असं काही होणार नाही. ही वे बिल हे इलेक्ट्रॉनिकल असल्यामुळे कोणत्याही गाड्या चेकपोस्टवर थांबवण्यात येणार नाही. जे काही चेकिंग व्हायचे ती कॉम्प्युटराइजच होणार आहे. याबाबत ई विलाचे आणण्याचं कामागिरी कारण एक असंही आहे की वेगवेगळ्या राज्यामध्ये असणारी वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झिट पास बंद करून एक समान पद्धत असावी. दुसरं की अगोदर जी गुड्स वाहतूक चेक होते ते चेक काढून GST मध्ये काढल्यामुळे कोणती तरी नवीन यंत्रणा तयार करणे आवश्यक होते. आणि नोव्हेंबरमध्ये जवळपास 15,000 कोटींनी पूर्ण महसूल कमी झालेला होता. त्यामुळं अँटी इव्हेजन मेजर म्हणून हे ई विलाकडे बघितलं जात आहे. ई विल जनरेट करणे अतिशय सोपे आहे. कॉम्प्युटरवर आपण लॅपटॉपवरही करू शकतो, कॉम्प्युटरवर करू शकतो, मोबाईल फोनवरही आपण करू शकतो, अँड्रॉइडवर पण करू शकतो, SMS द्वारे सुद्धा आपण जनरेट करू शकतो, किंवा कोणती सर्व्हिस प्रोव्हायडर मार्फतही आपण ई वे बिल जनरेट करता येते. याबद्दल अधिक माहिती तपशीलवार माहिती आपल्या डिस्कशनमध्ये येणारच आहे. परंतु माझी सर्वांना विनंती राहील की आपण ई वी बिल म्हणावर घाबरून जाऊ नका. ई वी बिलामुळे कोणत्याही प्रकारचा व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही आहे. आणि कोणत्याही समस्या आल्या तर त्या समस्या आम्ही नक्कीच निश्चितपणे सोडवू. आमच्यापर्यंत आपल्या समस्या पोहोचवा, आम्ही त्या निश्चितपणे सोडवू. GST मध्येही जेव्हा सुरुवातीला व्यापाऱ्यांना असं होत होतं की अधिकाऱ्यांमार्फत त्रास होईल, बऱ्याचशा गोष्टीच्या अडचणी येतील, पण सुरुवातीच्या बऱ्याचशा अडचणी आम्ही सोडवलेल्या आहेत. आजही काही अडचणी असतील GST मधली तर आपण सोडवत आहे. आतापर्यंत एकाही व्यापाऱ्यावर आम्हाला दंडात्मक कार्यवाही GST अंतर्गत करायची गरज पडलेली नाही. असाच प्रतिसाद आपण ई वे बिलाला द्यावा अशी अपेक्षा करून माझे 2 शब्द संपव. Now I would request Rajat Dure sir to give his presentation on e-bill. The question is, Arajan, to whom has to generate the EVP?
delay will have to be completed by the basically the prime responsibility of the generating delay bill is cast upon the supplier. The supplier does not generate of the recipient does not generate, then the transporter will come into picture. But basically the you may see the who has to supply the goods, he has to generate the bill. And the supplier has to be most of the time the registered supplier. If the supplier is the unregistered supplier, then the, if the recipient is unregistered, then he can generate the bill. So suppose the both the supplier is unregistered and the recipient is also unregistered, then who will generate? Ultimately, the responsibility is cast on the transporter. Then the transporter's role will come into the picture generally when the both the either the supplier or recipient, if both are unregistered or one of them are unregistered, or both both of them does not generate the EAP, then the transporter has to compulsorily generate the EAP. The key parties of the stakeholders are the suppliers. Generate the EAP and reject the EAP generated by the other party against his or her name, if it does not belong to him. Recipient. Generate the EVA bill and reject the EVA bill generated by the other party. Transporter, generate the EVA bill, consolidate EVA bill and update the vehicle number. And department officer, who will ultimately, if the need arises, it will verify the EVA bill. Then the key holders, who are the key holders? The suppliers, recipient and transporters and departmental officers. The prime responsibility is of course the suppliers only. Then the recipient come into picture. If the supplier does not generate the EAP, recipient is also registered, then the recipient has to generate the EAP. If both of them does not generate, then the transporter will have to, necessarily have to generate the bill. Departmental officers, of course, they cannot generate the EAP. They will only verify the correctness of the EAP. How can the EAP be generated? Can be generated by a registered person in any of the following methods. It can be web-based. By using computer, using his credentials, they can generate the EAP. Then the bulk upload. Bulk upload is basically bade companies ke liye hai, jo Excel utility ke hisab se agar wo samajh lo wo 1000 unko 1000 invoices unhone generate kiye ek din mein aur 1000 invoices agar wo web based mein agar wo UV bill generate karne lage to it will take too much time and it will be very time consuming. To bulk generate ke liye ek offline tool hai wahan pe NIC ke portal mein bhi available hai. So after using this bulk generate tool we can generate the bulk UV bill. Jaisa apne Windows mein mail merge facility hai agar 1000 letters per 1000 recipients to email karna hai to hum mail merge ki facility use karte hai. This is just kind of the mail merge facility. By bulk using the bulk offline tool you can generate the 1000 of EAP bill. That way you can upload it also on the NIC portal. So both are the facilities are available, generation as well as the uploading to the NIC portal. NIC means the email is a bill portal. This is another facility by SMS you can generate it. Already, app is also launched recently by downloading it from the Google Play. You can generate the EAP bill. Using GSP, Goods and Tax Suvidha Provider, using GSP tool you can generate EAP bill. GSP सुविधा प्रोवाइडर तो कोई है नहीं लेकिन थर्ड पार्टी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह लेकिन रिसेंट टाइम वो लॉन्च हो जाएंगे जैसे जैसे ये भी मिल जाए ये लॉन्च होता है तो उनकी यूटिलिटीज भी शायद वो अवेलेबल हो जाए तो यू कैन यूज द थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है उनके जैसे चालीस है बहुत सारे जो वेब बेस्ड कंपनी है वो यूज कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है इसमें EBN इस लॉन फॉर्म है ईवीए बिल नंबर ईडब्ल्यूडी सभी फॉर्म में उन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ईडब्ल्यूडी 01 ईडब्ल्यूडी 02 ईडब्ल्यूडी 03 तो ईडब्ल्यूडी उन्होंने यही से लिया है ईडब्ल्यूडी ईवीए बिल क्यूआर टू रिस्पांस कोड
RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसका क्या क्या यूज है और कैसे कैसे यूज है आगे के स्लाइड में पता चलेगा। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूल प्रोसीजर रूल्स, हु हैज पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस का। वी नो दैट द GST इज द ड्यूअल GST, बोथ द पार्टी द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रूल्स है, रूल्स अंडर CGST एक्ट 161 में ऑलरेडी हो सेक्शन में अपन ने इनकॉर्पोरेट की है, स्टेट गवर्नमेंट में भी टाइम टू टाइम वो उनके एक्ट में वो सभी प्रोविजन इनकॉर्पोरेट की है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स, पेनल्टी भी प्रोवाइड की गई है, अगर अगर कोई ट्रांसपोर्टर अगर वो 50,000 के ऊपर का कंसाइनमेंट है और वो वैलिड है ये बिल उसके पास नहीं है तो पेनल्टी भी लगा सकते हैं उसमें, पेनल्टी की भी प्रोविजन है। नेचुरली कोई भी लॉ है तो पेनल्टी तो प्रोवाइड करती है, और टैक्स का अगर इंसिडेंस है तो उसमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ईवीए बिल इज वेरिफिकेशन मेकानिज्म है। तो यहाँ पे सिर्फ नॉन रिसीव और नॉन प्रोडक्शन ऑफ ईवीए बिल तो पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है। व्हेन ईवीए बिल रिक्वायर्ड, ये बेसिक प्रोविजन है, इंफॉर्मेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, आप गुड्स का जब भी आप मूवमेंट चालू करते हैं उसके पहले ईवीए बिल आपको जनरेट करना आवश्यक है, और उसके कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 और अबव। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी ईवीए बिल का जो इम्प्लीमेंटेशन है आप सिर्फ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और इंटरस्टेट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेंगे तो वो अपन जैसा कि मालूम है कि 1 जून से तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन इंटरस्टेट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो अभी हाल ही में मतलब परसों एक नोटिफिकेशन कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स ने निकाला है जिसमें 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेंगी वो कोई भी वैल्यू के लिए जीरो वैल्यू के लिए 50,000 के लिए 1,00,000 के लिए वो एग्जेम्प्ट कर दिए। तो 1 फरवरी से महाराष्ट्र की जो RTC है तो उनको इंटर स्टेट मूवमेंट में अंतर्राज्यीय व्यवहार से जो होंगे उसके ऊपर ही ईवीए बिल जनरेट करना होगा, वो भी मोर देन 50,000 या उसके ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू रहेंगे। तो इंटर स्टेट मूवमेंट पे कोई भी अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है, वो इंप्लीमेंट अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे तो 1 अप्रैल मतलब 1 मई के बाद से इम्प्लीमेंट होगा शायद, वो जब भी नोटिफाइड होगा तब। तो फिलहाल 1 फरवरी से डे आफ्टर टुमारो से ओनली इंटर स्टेट मूवमेंट महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र से मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 और अबव। अभी गुड्स के मूवमेंट में भी होंगे तो गुड्स में अपन ने ईवीए बिल में एक नोटिफिकेशन दिया है, रूल 138 इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ईवीए बिल, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेस द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 rupees, वन पहला क्या इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई नॉर्मल वर्ड में अपने को मालूम है सप्लाई मीन सेल, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, ये सेकंड जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, अदर देन रीजन ऑफ सप्लाई उसके लिए भी आपको ईवीए बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। अदर देन सप्लाई कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न हो सकता है, डाउन ट्रांसफर हो सकता है, कंसाइनमेंट ट्रांसफर हो सकता है, गुड्स ऑन अप्रूवल हो सकते हैं, गुड्स ऑन एग्जीबिशन हो सकते हैं, तो जिसमें एक्चुअल सप्लाई नहीं है, सप्लाई नॉट फॉर द मनी कंसिडरेशन, लेकिन आप उसके मूवमेंट कर रहे हो उसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 है उसके ऊपर है तो भी आपको कंसाइनमेंट ईवीए बिल आपको जनरेट करना है। तो ईवीए बिल विल नॉट ओनली बी जनरेटेड फॉर द सप्लाई, अदर देन सप्लाई इट इज अब्सोल्युटली इट विल हैव टू बी जनरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे से कुछ जॉब वर्क के लिए गुजरात भेज रहे हैं, MP भेज रहे हैं, उसके बाद जॉब वर्क करने का रिटर्न आपके पास आना है, फिर भी आपको ईवीए बिल जनरेट करना पड़ेगा।
So basically, the UA bill have to be generated in relation to supply for reasons other than supply, and third and last one, due to inward supply from unregistered person. अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट पे अवध है फिलहाल इंटरस्टेट जो ट्रांजेक्शन है उसकी बात करेंगे इंटरस्टेट जब भी अप्लाई होगा तो अगर आप किसी पार्टी से अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र में माल मंगाए तो भी आपको फिर जनरेट करना पड़ेगा वैसे बेसिकली अनरजिस्टर्ड जो इंटरस्टेट सप्लाई है वर्चुअली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है संपर्क लिए नहीं है रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज पर जीएसटी लॉ फिर भी एनी अदर अनरजिस्टर्ड सप्लाई कैन सप्लाई मतलब अदर देन सप्लाई होंगे तो फिर आपको धंधा ही करेंगे अगर सप्लाई है तो सप्लाई नहीं होंगे लेकिन अदर देन सप्लाई तो ये चीज में मतलब यू हैव टू करते हैं ये सिचुएशन है एग्जाम्पल दिए है मिस्टर ये फ्रॉम दिल्ली कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद फॉलोइंग गुड्स आइटम प्राइस है 49,000 टैक्स प्राइस 1,000 टोटल हो गया 50,000 क्वेश्चन इज वेदर ए यूएस बिल रिक्वायर्ड आंसर नो ये पीपीटी थोड़ी पुरानी है अभी परसों ही 23 तारीख को जो अमेंडमेंट हो गए पूरे 138 रूल्स में तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड किया गया तो टोटल वैल्यू विल बी यूएलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एंटायर इनवॉइस वैल्यू पहले उसमें वो जो पुराने जो ये रूल्स थे उसमें टैक्स का जो कंपोनेंट था वो ये उसमें वो बाहर रखा था तो जैसे कि ये सिचुएशन में अपन देख रहे हैं कि 49,000 का आइटम प्राइस है प्लस 1,000 जो जीएसटी एचजीएसटी जो भी होगा वो है टोटल इनवाइस आ गया 50,000 तो यहाँ पे आंसर आता है उसमें अपन ने बता दी नो लेकिन एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट रूल का है तो टैक्स भी उसमें इंक्लूड किया है तो अभी आंसर क्या आएगा ये 50,000 में उसको मतलब सिचुएशन देखो इसमें 49,000 किया है 1,000 टोटल 50,000 इसमें तो ये ऑब्वियस है इसमें भी यस है देखो दिल्ली टू ये जो आइटम प्राइस 50,000 1,000 मोर देन 50,000 ये तो मैं एग्जाम्पल है मिस्टर ये फ्रॉम दिल्ली कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइटम प्राइस है 48,000 1,000 आइटम स्पेसिफाइड इन द एनेक्स ऑफ ओनली टोटल 51,000 क्वेश्चन ये वे भी लिख दे रिक्वायर्ड क्योंकि ये 2,000 मीटर से बोला तो इसमें इसमें 49,000 आ रहा है एग्जेम्प्टेड है ये प्रॉपर है ऐसे वेरियस एग्जाम्पल है बिल टू शिफ्ट टू या भी वो लोगों के प्रॉब्लम थे कि बिल टू शिफ्ट में कैसे करेंगे मैं तो बिल तो इसके नाम से भर रहा है शिफ्ट टू उधर कर रहा था ये कुछ नहीं है लॉजिकली आपको दो ही में बिल जनरेट करने वाले बिल टू वाले को शिफ्ट वाले को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें लेकिन पहले इसने कहा कि बिल टू शिफ्ट टू में कैसे करेंगे टू एज टू इश्यू ईडब्ल्यू बी ईडब्ल्यू के पार्ट ए पार्ट टू पार्ट बी आपको दोनों को मालूम है पार्ट ए में जो सप्लायर है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और पार्ट बी में जो ट्रांसपोर्टर है जिसमें व्हीकल के जो डिटेल्स है अपडेट करने पड़ेंगे अनलेस एंड अंटिल आप व्हीकल के बिल मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आप जब तक भरते नहीं तब तक ईवे बिल जनरेट नहीं होंगे कोई भी सप्लायर अगर पार्ट ए में इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है तो उसको एक यूनिक नंबर जो जनरेट होंगे बाद में ट्रांसपोर्टर या वो खुद भी अगर ईवे बिल तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के डिटेल है तो वो खुद भी अपडेट कर सकता है जनरली होता नहीं है अपन वो ट्रांसपोर्टर को माल भेजते हैं वो ट्रांसपोर्टर अपने सहूलियत के हिसाब से वो कौन से लॉरी में भेजना है कब भेजना है तो व्हीकल के डिटेल जनरली ट्रांसपोर्टर के पास अवेलेबल होते हैं तो वो ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी अपडेट करता है समझ लो 8 महीने यहाँ से गोल्डन गैरेज में गाड़ीबाग में पहुँचा दिया मेरे को वहाँ से छत्तीसगढ़ भेजना है तो माल जैसे भी मैंने उसके बाद पहुँचाया उसको मेरे को कंसाइनमेंट नोट दिया तो वो अपने हिसाब से भेजेगा जब उसको 10 और पार्टी के गुड्स आएंगे वो लाइन के आए तो उसका कल भी मेरे पास 400 भेज सकता है अगर तुमने शायद उसने परसों भेज दिया मैंने तो यहाँ भी इन्हें बिल जनरेट किया पार्टी में लिख के आ रही है पार्टी है उसका ये इनवाइस नंबर है कम उसका कुछ वैल्यू है ये कमोडिटी है और ट्रांसपोर्टर का अगर वो रजिस्टर्ड रहा रजिस्टर्ड मतलब अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड या फिर वो एनरोल रहा अनरजिस्टर्ड है उसने एनरोलमेंट किया तो मैंने उसको अपॉइंट कर दिया ये गोल्डन गैरेज का
ऐसा नंबर है जिसका ये ट्रांसपोर्ट आईडी है तो वहाँ पे जाने हैं, और उसको अपने सर्विस में जिस दिन वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उस दिन वो व्हाट्सएप के डिटेल उसको अपडेट करेंगे, तो उस दिन से वो यूनिक ईमेल बिल विद क्यू आर कोड के साथ जनरेट हो जाएंगे, जो कि रेसिपिएंट को भी दिखेंगे, सप्लायर को दिखेंगे और उसको भी दिखेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो ड्राइवर है उसके पास दे देंगे और बाकी भी डॉक्यूमेंट उसको दे देंगे, इट विल बी द वैलिड मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इस तरह से उसको ईडब्ल्यू के दोनों पार्ट में जनरेट करना है, जब तक दोनों पार्ट फुल्ली फिलअप नहीं हो जाते तब तक ईडब्ल्यू भी जनरेट नहीं होता। अभी कौन कौन से सिनेरियोस में किसने जनरेट करना है, पार्टी किसने बनना है, पार्टी किसने बनना है, वेरियस सिनेरियोस है उसमें, पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द ईडब्ल्यू जीवन बाय रजिस्टर्ड कंसाइनर और ट्रांसपोर्टर, पार्ट ए एंड बी ऑफ ईडब्ल्यू बाय रजिस्टर्ड कंसाइनर पार्ट ए एंड बी। बेसिकली आप देखे जाएंगे इसमें थंब रूल है कि वो सप्लायर ने जनरेट करने कौन है, और सप्लायर अगर ट्रांसपोर्टर को देता है तो वो ट्रांसपोर्टर को असाइन करना पड़ेगा, अगर उसका जीएसटीएन आईडी डाल के अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जीएसटी में उसका रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एनुअल ट्रांसपोर्टर है उसका, वो ट्रांस आईडी डाल के उसको असाइन करना का है। देखो कोई भी ट्रांसपोर्टर कैसे भी मतलब कभी भी अपडेट नहीं कर सकता, जब तक सप्लायर उसको असाइन नहीं करता तब तक कैसे करेगा, उसके पोर्टल पे जाएगा कैसे, उसके वो डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, तो आपको असाइन करना पड़ेगा एवरी टाइम यू हैव टू असाइन द ट्रांसपोर्टर। आप सोचते ट्रांसपोर्ट गोल्डन ग्यारह से बचते हैं पंजाब बंगाल जो भी ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उसका जो पर्टिकुलर एक तो जीएसटीएन आईडी या फिर उसका ट्रांस आईडी बोलते हैं वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब असाइन करना पड़ेगा, तब वो ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा और ट्रांसपोर्टर वो जिस दिन उसको एक्चुअल वाहन नंबर डाल रहा है उससे दूसरे वैलिडिटी उसकी स्टार्ट होगी। आपको तो मालूम है वैलिडिटी।